यस एट क्लास गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लैंड सोयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी धरा भूमि पानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इन ए स्मॉल In a small village in Ajmer, Rajasthan, a man gets up very early in the morning to fetch water. एक अजमेर राजस्थान के अजमेर में एक छोटा गांव है। अमन gets up very early बहुत सुबह उठता है in the morning और fetch water और वहाँ पानी लाता है, जाकर के पानी लाता है। He has to walk ए लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर ए फ्यू आवर्स। वह टहलता है लंबे रास्ते से और कुछ घंटे बाद लौटता है। ही देन हेल्प हिज मदर इन द हाउस एंड जॉइन हिज ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गॉड्स। ही देन तब वह अपनी माँ के घर के कार्यों में मदद करता है एंड जॉइन हिज ब्रदर टेकिंग केयर और अपने भाई की देखभाल करता है और ऑफ देयर गॉड्स और अपनी बकरियों के भाई के साथ। ऑल हिज फैमिली ऑन्स इज ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। यानी वह माँ के घर के कार्यों में मदद करता है और उसके बाद अपने भाई के साथ ज्वाइन होता है उनके बकरियों की देखभाल करने के लिए। ही इज फैमिली ऑन ए पीस ऑफ रॉकी लैंड। उसके परिवार के पास अपना एक चट्टानी धरातल लैंड है अराउंड देयर स्मॉल हट और वहीं उसने एक छोटी झोंपड़ी है। अमन्स फादर कैन बार्ली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग। और अमन के पिता मुश्किल से उस पर मक्का और सेम उगाते हैं आफ्टर टॉयलिंग हार्ड कठिन परिश्रम करके। दिस इज नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और यह पर्याप्त नहीं होता है उसके परिवार का भोजन पूरे वर्ष भर के लिए। रजत लिव्स इन ए हार्ट ऑफ द सीप रियरिंग सीजन रीजन इन राजस्थान वेयर हिज फैमिली रन्स ए बूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। रजत रहता है हार्ट ऑफ द सीप रियरिंग रीजन ऑन राजस्थान के भेड़ पालन वाले क्षेत्र के मध्य में, जहाँ उसका परिवार बूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लगा हुआ है। एवरी डे वेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल रजत वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर सीप। एवरी डे प्रत्येक दिन जब वह स्कूल से लौटता है रजत देखता है अपने चाचा को जो भेड़ों की देखभाल करते हैं। देयर सीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन द वाइड ग्रेसी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस। उनका जो सीप यार्ड है भेड़ों का जो आंगन है वो स्थित है वाइड ग्रेसी प्लेन घास के से ढका हुआ विस्तृत रूप से विद हिल पहाड़ी पर इन द फार डिस्टेंस थोड़ी दूरी पर। इट इज मैनेज इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और वे मैनेज करते हैं वैज्ञानिक तरीके और जो नवीनतम तकनीक के। रजत फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। रजत का परिवार सब्जियां भी उगाता है जो ऑर्गेनिक खेती के तरीके से करता है यानी जैविक खादों से करता है। अमन एंड रजत स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स। अमन और रजत रहते हैं दोनों डिफरेंट पार्टों में विश्व के और लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स और उनके जो रहने का तरीका है वो थोड़ा बहुत ही भिन्न है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये जो भिन्नता है क्योंकि जो अंतर है उनकी
भूमि की गुणवत्ता, मिट्टी, पानी, प्राकृतिक वनस्पति, जानवर और जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं वो वन्यता है। द एबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। एबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज, इन संसाधनों की जो उपलब्धता है, इज द मेन रीजन, उसका कारण है प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, कि वो स्थान एक स्थान से दूसरा भिन्न है। लैंड रिसोर्सेज यानी धरातलीय संसाधन, लैंड इज द मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज बिकॉज इट सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और जो भू धरातलीय है जो संसाधन है बहुत ही बेसिक मूल और महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि वो सपोर्ट करता है सभी जीवों के लिए, जीवन के लिए, सभी प्रकार के जीवन के लिए। मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स आर मीट बाई इट, और अधिकांश जो आवश्यकताएँ उसी से पूरी होती हैं। अबाउट 29% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई लैंड, एंड आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 30% इज फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पृथ्वी का 29% जो सतह है वो धरातल से ढकी हुई है, यानी उस पर धरातल है। एंड आउट ऑफ दिस, और उसमें से 29% में से केवल 29% ही फिट है मानव निवास के लिए और आर्थिक गतिविधियों के लिए। यानी 100% में से 29% पर तो लैंड है, बाकी पानी है, और उस 29% में से 30% मानव जीवन के लिए, मानव निवास के लिए व आर्थिक गतिविधियों के लिए फिट है, सूटेबल है। शेष पर पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियां हैं, पठार हैं। दिस इज बिकॉज देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर द टेरेन इज अनइवन विद स्टीप माउंटेन्स, और क्योंकि वहाँ अधिकांश जो क्षेत्र है उस पर आसमान है और ढलान वाले पर्वत हैं, डेजर्ट है, मरुस्थल है, विद एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट, और अत्यधिक गर्म और ठंडा क्लाइमेट है। थिक फॉरेस्ट और घने जंगल है, एंड लो लेइंग वाटर लॉगी एरिया, और दलदली जमीन है। इट इज ओनली द फ्लैट प्लेन्स एंड रिवर्स वैली विद फर्टाइल सॉइल एंड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन वर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स। इट इज ओनली, केवल जो फ्लैट प्लेन है, मैदानी भाग है, वो नदी घाटी वाला जहाँ उपजाऊ मिट्टी है और अनुकूल जलवायु की स्थितियाँ हैं, और जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन और जहाँ अधिकांश लोग रहते हैं, बहुत लोग, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। लैंड यूज यानी भूमि का उपयोग, लैंड यूज इज द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड माइनिंग बाई ह्यूमंस। लैंड का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे खेती है, चारागाह है, फॉरेस्ट्री, वन है, इंडस्ट्री, उद्योग, माइनिंग, खनन आदि मानव के द्वारा किया जाता है। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज, और इसका सामान्यतः बदल बदल कर उपयोग होता है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माबा मम्मास एंड पीटर्स फैमिली यूज दियर लैंड, और क्या आप ये लिस्ट, विभिन्न तरीके की लिस्ट है, लिस्ट बना सकते हैं डिफरेंट वे इन बीच मम्बाज फैमिली और पीटर्स फैमिली जो जमीन का उपयोग करते हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज ट्रोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वाटर। द यूज ऑफ लैंड, धरती का उपयोग निर्धारित किया जाता है वहाँ की भौतिक तत्वों के आधार पर, जैसे भूतल, मिट्टी, जलवायु, खनन और पानी की उपलब्धता। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न, यानी ह्यूमन फैक्टर्स, मानवीय तत्व, ऐसे जिस प्रकार पॉपुलेशन और तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण हैं जो भूमि की उपयोगिता के पैटर्न को निर्धारित करते हैं। वी कैन ऑल्सो वी डिवाइड लैंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, और
वी कैन ऑल्सो डिवाइड, हम इसको बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि. प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयरर्स, कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी और फॉर कॉमन यूजर्स लाइक कलेक्शन ऑफ फूड और फ्रूट्स, यूनिट्स और मटेरियल मेडिसिनियल हर्ब्स. और जो प्राइवेट लैंड है वो ऑन व्यक्तिगत होता है, जबकि सामुदायिक भूमि का स्वामी समुदाय होता है और कॉमन यूज के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे कलेक्शन ऑफ फोडर, चारे को एकत्रित करने, फल मेवे और दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ इत्यादि के लिए. दीज कम्युनिटी लैंड्स आर एल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. और जो कम्युनिटी लैंड, यहाँ से देखेंगे, प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड एक सामुदायिक प्राइवेट निजी भूमि और एक सामुदायिक भूमि. प्राइवेट भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार होता है और कम्युनिटी लैंड इज ऑन्ड बाय द कम्युनिटी, और उस पर कम्युनिटी की भूमि होती है, उस पर कम्युनिटी का अधिकार होता है फॉर कॉमन यूज व सामान्य उपयोग के लिए, जैसे कलेक्शन ऑफ फोडर, चारा एकत्रित करना, फ्रूट्स नट्स एंड मेडिसिन हर्ब्स और दवाइयों के लिए, औषधि के लिए. दीज कम्युनिटी लैंड्स आर एल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. और जो कम्युनिटी लैंड्स हैं वो सामान्य प्रॉपर्टी, संपत्ति के संसाधन कहे जाते हैं. द क्वालिटी ऑफ लैंड एल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और भूमि की जो गुणवत्ता है वो स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न है. पीपल एंड देयर डिमांड्स आर इवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड. लोगों और उनके मांग इवर ग्रोइंग, बहुत कुछ उगाने की होती है, परंतु एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, लेकिन भूमि की सीमित भी भूमि की उपलब्धता सीमित होती है. पीपल स्टार्टेड एनकरेजिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड द एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज. पीपल स्टार्ट, लोगों ने अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया है सामान्य भूमियों पर और वहाँ बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज और कॉमर्शियल क्षेत्रों में बिल्डिंग बनाई है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए इन द अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में, एंड द एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, और रूरल क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र का विकास किया है अतिक्रमण करके. टूडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न एल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेज इन अवर सोसाइटी. आज वास्ट चेंजेस, विशाल परिवर्तन हुआ है भूमि के उपयोग के पैटर्न को लेकर के, और वो प्रतिबिंबित होता है उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाई देता है. लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, डिफॉरेस्टेशन, सॉयल इरोजन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट. और भूमि का पतन, लैंडस्लाइड, फिसलन, डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव, सॉयल इरोजन, मिट्टी कटाव आदि मेजर थ्रेट्स हैं, हम क्या हैं टू द एनवायरमेंट के लिए, वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए. बिकॉज, क्योंकि ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, क्योंकि कृषि और निर्माणात्मक गतिविधियों के बढ़ने के कारण. फिनिश नेक्स्ट कल.